ब्लॉगर शर्मा, मैं हूँ आपका होस्ट राम। आज आप देखेंगे इस वीडियो में एक और अनरैपिंग, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं क्या लेकर आया। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये है स्कोयोको नी एंड एल्बो गार्ड्स। फाइनली मैंने ये परचेज़ कर ही लिए हैं, और एक ही नहीं दो पेयर मैंने परचेज़ किए हैं, एक मेरे कज़न के लिए और एक मेरे लिए। सो ये है मॉडल नंबर K11H11, नी 11-2 H11-2, मतलब ये मॉडल नंबर बेसिकली, और ये 2 है इसमें, मतलब पेयर है, तो बेसिकली ये सेट ऑफ 4 है। मैंने ये दो परचेज़ किए हैं करोल बाग से, क्योंकि एक मेरे कज़न के लिए और एक मेरे लिए है। अगर आप यहाँ देखें तो ये इसका आइटम नंबर है, ये सभी पे मेंशन होगा। मैं एक साथ दो लेकर आया हूँ, अब देखते हैं कैसा है। यहाँ पे आपको इसमें ज़िप मिलेगी। मुझे बेस्ट इसका ये लगा कि इसका जो कवर है वो काफ़ी अच्छा है। मैंने और भी देखे थे वहाँ नी गार्ड, एल्बो गार्ड्स, लेकिन सब में नेट वाला कवर मिल रहा था जिसमें उससे धूल मिट्टी सब जा सकती है। इसमें आपको प्रॉपर कवर मिल रहा है जिससे आपका धूल मिट्टी जाने का चांसेस ही नहीं है बिल्कुल भी। और स्कोयो को काफ़ी अच्छा ब्रांड है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी आते हैं इसके और मिनिमम रेट में भी आते हैं। सो वो आपको देखना है कि आपको कौन सा रेट सूट करेगा आपके बजट में। सो ये वैसे मैं आपको बता दूँ, मोस्टली मेड इन चाइना ही होते हैं। इसमें और भी आते हैं, रिट्रैक्टेबल भी आता है, वो भी मैंने देखा था, और एक दो ब्रांड्स और देखे थे, वो भी सब मेड इन चाइना ही होता है। यहाँ आपको एक प्रॉपर ऑथेंटिक प्रोडक्ट है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप बारकोड भी दे रखा है यहाँ ये स्कोयो, और यहाँ पे सब कुछ मेंशन है मेड इन चाइना है, और सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये प्रॉपर इलास्टिक है, और यहाँ वेलक्रो है, वेलक्रो प्रॉपर दिया गया है। ब्रांडिंग का भी काफ़ी अच्छे से ख्याल किया गया है, और डिज़ाइनिंग तो मुझे इसकी बहुत ही पसंद आई, इसीलिए मैंने एक साथ ही दो ले लिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आए ये वाले। मैंने और भी देखे थे, प्रो बाइकर के भी देखे, वो इतने कुछ खास ही नहीं लगे, तो ये ज़्यादा बेटर लगे मुझे। ये देखते हैं, इसको खोलते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, इसकी वेलक्रो जो है वो काफ़ी अच्छा है, और जो इलास्टिक है वो भी काफ़ी प्रीमियम है। मैं अभी यूज़ करता हुआ आ रहा था इसको, तो मैंने पहना, और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। ये नहीं कि आपका कंफर्टेबल नहीं है, ये बहुत ही कंफर्टेबल भी है। सो ये है हमारे हैंड गार्ड, एल्बो गार्ड जिसे बेसिकली हम बोलते हैं। ये देखिए, ये आपका इजीली आप इसको मूव कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको स्कोयो की ब्रांडिंग, इम्पैक्ट, डिफेंस, और ये वाला आपका मटेरियल जो है वो टेक्सचर्ड मटेरियल है, और ये काइंड ऑफ रबराइज मटेरियल है ये आपका। और डिज़ाइनिंग जो इसकी वो काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे एक लोगो, ये भी रबराइज मटेरियल है सारा, और ये सारा आपका प्लास्टिक है, ये हार्ड प्लास्टिक है, हार्ड शेल। और मेन तो ये है, मैंने इसको यूज़ किया अभी, और मैंने नीज पे भी इसको यूज़ किया, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे थोड़ी सी आपकी कुशनिंग है ये, और ये आपका यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कुछ। तो ये तो हो गए एल्बो गार्ड, नी गार्ड्स भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग है इसकी। यहाँ आपको मैट, ये मैट फिनिश या ग्लॉसी फिनिश, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही डिज़ाइन को कैरी किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे भी ग्लॉसी या मैट फिनिश, ये भी सेम ही आपका जैसा आपको एल्बो गार्ड्स में मिला है। और ये आप इसको यहाँ पे आप देखिए, दो वेलक्रो दिए गए हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ताकि आप अपने साइज़ के हिसाब से इसको फिट कर सकें, और काफ़ी कंफर्टेबल है। मैंने ये नहीं बोलूँगा कि लूज़ हो जाता है, लूज़ भी नहीं हुआ था ये, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप जितना इसको इलास्टिक को पुल करेंगे उतना टाइट हो जाएगा आपका, और काफ़ी कंफर्टेबल था, मुझे बहुत मज़ा आया पहन के राइड करने में। अब तो मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे को लंबी एक राइड का मौका मिले, तो मैं इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ करूँ। और स्कोयो को यहाँ पे भी आपको सारी जगह ब्रांडिंग मिलती है ये, और कवर पे आपको ये देखिए यहाँ लिखा है मेड इन चाइना, ये इसका बारकोड है, यहाँ पे सब कुछ आपका मेंशन है ये। अब इसके बैक साइड देखते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगी मुझे, और इस प्राइस पॉइंट में बहुत ही अच्छा है ये। अमेज़ॉन पे मैं आपको हाँ बता दूँ, अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे ये 2 महीने पहले अभी तक 2000 रुपये का था, लेकिन आज मैं इसके प्राइस देख के शॉक हो गया, क्योंकि एकदम से इसके प्राइस काफ़ी बढ़ गए हैं। ये ऑलमोस्ट 3400 का था,
अगर आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से लेते हैं तो वहाँ पे भी आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट की वो गारंटी दे रहे हैं, लेकिन मैंने ये स्पेशली जाके करोल बॉक्स इसलिए ली क्योंकि मेरे को वहाँ से इसका प्राइस कम होने की उम्मीद थी और मुझे लगा कि वो वहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि मार्केट आज सारा बंद था, लेकिन फिर भी मैंने परचेज़ कर लिया। मुझे लकीली एक दो शॉप्स ओपन मिली जिनसे मैंने परचेज़ किया और उन्होंने मुझे काफ़ी सही प्राइस पे दे दिया। मुझे ये दो शॉप्स पे लेना पड़ा और एक शॉप पे मुझे ये 1500 के अराउंड बोल रहा था, तो मैंने उसको 1400 में ये एक पेयर लिया और 1300 में सेकंड पेयर लिया, तो मुझे इतना सस्ता पड़ गया, ऑनलाइन से हाफ प्राइस से भी कम में पड़ गया मुझे ये। तो करोलबाग जाने में फ़ायदा हुआ, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप करोलबाग जा सकते हैं तो वहाँ से आप ज़रूर परचेज़ कीजिए। जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियोस को सपोर्ट किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी उतना ही सपोर्ट कीजिए, लाइक्स कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है, अगर आपको बाइक मॉडिफिकेशंस या फिर अनबॉक्सिंग से रिलेटेड वीडियोस और देखनी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह आप मेरे को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लॉगर शर्मा। थैंक यू।